ओ वसंत भाई फिर आ गया तू। हाँ साथ में मेरे दोस्त को भी लाया हूँ। तू एक कम था कि तेरे दोस्त को भी लाया तू। क्या वसंत भाई, बेचारा कब से बोल रहा था मुझे वसंत भाई से मिलना है, मुझे वसंत भाई से मिलना है। आज मैं उसको लेके आया, उसको बेचारा प्रॉब्लम है थोड़ा। अच्छा दोस्त है मेरा, थोड़ी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो ना। कहाँ है वो? ए चंदू यहाँ पे आ जा, वसंत भाई बोल रहा है तुझे, आ जा। जी भैया हम यहाँ पे ही है, हम यहाँ पे बैठे। का क्या नाम है तुम्हारा? जी चंद्रकांत। ये तो चंदू बोला तुझे, हमारी अम्मा हमको प्यार से चंदू बुलाती है। ठीक है बोल प्रॉब्लम क्या है। ए भैया जनता नहीं को वसंत भाई को प्रॉब्लम बताओ। अरे तो खुद बताना, वसंत भाई बहुत अच्छा इंसान है, तू क्यों डर रहा है? डर मत ना, ये गाली तो नहीं देंगे ना। ना चंदू, वसंत भाई वो आपकी एक दो उसने गाली वाली वीडियो देख ली थी ना, इसलिए थोड़ा डर गया था। अच्छा चल तू अभी डर मत मेरे से। भैया हम रोज सोचते हैं सुबह सुबह कि हम रात तक ई कर लेंगे ओ कर लेंगे, पर पूरा दिन माँ कुछ होता ही नहीं है। हमका कुछ ऐसा बताओ कि हमारा टाइम बढ़ जाए, टाइम बढ़ाने के लिए कुछ हमका बताओ। अबे दिन का टाइम थोड़ी बढ़ता है, तेरे पास जितना टाइम है उतने में ही तेरे को सब निपटाना है। ई तो होता ही नहीं है हमसे, इसलिए तो हम आपके पास आए हैं। हाँ वसंत भाई इसको कुछ बताओ कि थोड़ा वो कुछ अपनी जिंदगी में करे। बस तू बीच में मत बोल, बात कर रहा हूँ ना उससे। भाई चंदू अब तू मुझे ये बता कि ऐसा तो तू क्या करता कि तेरे पास टाइम नहीं रहता? हम नौकरी करता हूँ और नौकरी से आने के बाद हम अपनी लड़की दोस्त के साथ बात करता हूँ, हम फेसबुक करता हूँ, हम व्हाट्सअप करता हूँ, और ये सब करने में हमारा दिन फिनिश हो जाता है और हमारे पास कोई टाइम ही नहीं रहता है। अबे ये सब करेगा तो कहाँ से टाइम मिलेगा तुझे? इसीलिए तो आया हूँ आपके पास, अब आप बताओ हम क्या करें। तू भी है ना फटी हुई नोट है इसके जैसा। ओ वसंत भाई मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मुझे क्यों फटी हुई नोट बोल रहे हो? भाई तू चुप जा। चुप भैया, ये फटी हुई नोट का होता है? आपकी नोट फट गई का? चंदू भाई आप चुप ही रहो, वो टाइम वाला जवाब आपको दूँ या जब फटी हुई नोट क्या होती है उसका जवाब दूँ? ना ना वो टाइम वाला ही ठीक रहेगा। तब बात सुनो कि आप ही अपने आप से सुबह बोलते हो कि शाम तक मुझे ये कर लेना है वो कर लेना है, पर जब शाम होती है ना तब कुछ भी हुआ नहीं होगा। और आपने ही बोला कि आप अपनी नौकरी से आके अपनी गर्लफ्रेंड सॉरी वो लड़की दोस्त से बात करते हो, फिर फेसबुक यूज़ करते हो, व्हाट्सअप यूज़ करते हो, सब करते हो, तो वही आपका टाइम खा रहा है ना, तो उसका यूज़ बंद कर दो ना। आप ही तो बोला था कि टेक्नोलॉजी के साथ चलो, तो हम ये टेक्नोलॉजी तो वापरता हूँ तो उसमें कुछ गलत है का? मेरे भाई टेक्नोलॉजी में पूरा दिन फेसबुक व्हाट्सअप नहीं आता। अभी तेरे को यूज़ करना आ गया है ना तो बंद करना, क्योंकि जितना ज़्यादा यूज़ करेगा उतना दिन का तेरा टाइम अंदर वो फिनिश हो ही जाएगा ना। ये बात तो सही है, और अगर तू तेरा टाइम कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो घंटा तू तेरी लाइफ कंट्रोल कर पाएगा? ये घंटा जब आप बोला था ना तो हमको बहुत अच्छा लगत है, बहुत अच्छा लगत है। अबे घंटे पे मत फोकस कर, मेरे इमोशंस पे फोकस कर तू, तुझे जो समझा रहा हूँ उस पे ध्यान दे। जी सुबह जब उठेगा ना तभी ये सोच लेने का कि ये अगर नहीं हुआ तब तक नो फेसबुक नो व्हाट्सएप। बाद में ना मोबाइल साइड में नहीं होना चाहिए या पीसी या लैपटॉप भी नहीं होना चाहिए तेरे पास। उसमें होता क्या है, तूने फेसबुक ओपन किया, तेरे दोस्त लोग के फोटो को तूने लाइक बैक मारा, नीचे कुछ न्यूज़ पड़ी इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है, वो ट्रेलर तूने देखा, वो देख के फिर नीचे और कोई न्यूज़ आई होगी विराट कोहली अनुष्का के साथ का फोटो, फिर वो तू फोटो देखेगा, फिर उस पर तू सोचेगा अरे क्या हो रहा है ब्रेकअप हो रहा है। अबे घंटा वो उसमें, वो उसकी लाइफ है, उसमें तू छोड़ना। बाद में एक न्यूज़ से दूसरे न्यूज़ तू पढ़ता जाएगा और उसमें तेरे घंटों बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा बोला आपने, मोबाइल कौन सा है तेरे पास? क्यों फ़ोन करना है का? अबे बताना चुपचाप। पहले हमारे पास नोकिया था, वो बटन वाला काफ़ी बढ़िया मॉडल था, पर उसकी बैटरियाँ फूल गई और वो फूट गया। उसके बाद में हमने ये टच स्क्रीन वाला फ़ोन लिया, एंड्रॉयड फ़ोन लिया हमने, एंड्रॉयड फ़ोन। हमारे दोस्त लोग बोलते हैं एंड्रॉयड फ़ोन में सिर्फ उंगली दबाते हो टच करते हो तो पूरा चलत है, इसलिए हमने एंड्रॉयड फ़ोन लिया। तो तुझे इतना तो पता होगा ना कि कभी कभी अचानक तेरी बैटरी उतर जाती है अचानक ही, तो तू वो देखता तो होगा ना कि कौन से एप्लीकेशन से या कौन से गेम से तेरी वो पूरी बैटरी उतरी है, उतना तो पता है ना तुझे? हाँ हम खेती करता हूँ ना इस फ़ोन में, ऑनलाइन खेती करता हूँ। हमारे दोस्त ने हाई डे करके एक गेम डाली है, उसने बोला ये करेगा तो खेती करना सीख जाएगा, तो जब वो गेम खेलता हूँ ना तब हमारी बैटरी पूरी 2-3 घंटा खेला तो पूरी उतर जाती है। पर गेम काफ़ी मनोरंजक है, गेम काफ़ी मनोरंजक है। हमने सुअर पाला है, हमने भैंस पाली है, हमने मुर्गी भी पाली है, वो अंडा भी देती है, वो मुर्गी अंडा भी देती है। अरे भाई रुक, मुझे वो कुछ नहीं जानना, मैं तुझे सिर्फ यही बता रहा था कि तेरा टाइम है ना वो भी मोबाइल की बैटरी जैसा ही है, जैसे वो गेम से तेरे मोबाइल की बैटरी उतरी वैसे ही ये तेरा फेसबुक ये तेरा व्हाट्सअप वो सब तेरा टाइम है ना उतार रहा है, समझा? समझ में आई गवाह। वेरी गुड, जल्दी समझता है, अच्छा है। दोस्त किसका है? मेरा है, बहुत दिमाग है चंदू में। ठीक है ठीक है भैया, ये हमने सुना है कि ये टाइम मैनेज करने वाली किताब अभी हिंदी में भी मिलत है,
तो हम वो ले ले का? भाई कुछ भी नहीं होगा इससे, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज भी है, एप्लीकेशन भी है मोबाइल में जो लोगों को लूट रहे हैं, पर कुछ भी नहीं होता उससे। तू कुछ मत कर, मैं तुझे एक देसी इलाज देता हूँ, वो तू करेगा ना सब मैनेज हो जाएगा तेरा। हाँ पक्का करेंगे। करना क्या है तुझे पता है? सुबह जब तू उठेगा ना, तब इतना सा छोटा सा कागज़ ले, विजिटिंग कार्ड से भी छोटा होना चाहिए, तो पूरे दिन में जितने भी इंपॉर्टेंट काम है ना, 3-4 जितने भी है, वो वहाँ पे एक एक वर्ड में तू वहाँ पे लिख ले कागज़ में। जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा उसको पहला रखना, और वो कागज़ तू अपनी जेब में डाल दे। पूरे भी दिन में जितनी बार जेब में आ जाएगा ना, वो तुझे कागज़ याद आएगा, मतलब तुझे वो पता चलेगा कि आज मुझे ये काम करना है। सुनने में तो काफ़ी अच्छा लागत है, अब हमका तो गारंटी हो गई है कि हमारा टाइम अभी वेस्ट नहीं होने वाला। भाई नहीं होगा ना, दिन भर तू पूरा तेरा काम सब निपटा लेगा, फिर रात को जो कर तेरे को जो करना है। पर याद रखना, कोई भी काम है ना प्रेशर में मत कर, फुल एंजॉय के साथ कर, तब भी मज़ा आएगा। और जैसे तेरे काम निपटने लगेंगे, तुझे अंदर से तो अच्छा लगेगा ही ना। ये बात आपने पता की बोली कि अगर हमारा मन अंदर लगेगा तो हम एंजॉय ही करूँगा ना। और जब काम चालू ना, तो फ़ोन से दूर रहियो, ओके? उसको स्विच ऑफ ही कर दे, क्योंकि बाद में फिर से वो तेरी लोग लड़की दोस्त का मैसेज आया, फिर उसमें तू लग जाएगा पूरा। ये सुझाव भी अच्छा है, सब अच्छा ही है, सिर्फ हाँ हाँ मत करना, ये सब रियल में करना, तो दूसरी बार है ना तेरे को कोई बुक खरीदने की या वसंत के पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई जब बात बहुत कड़क बोलते हो, समझ गया ना तू पूरा? जवाब मिल गया ना तुझे तेरा? हाँ भाई जी मिल गया। और कुछ पूछना है ना तो अभी पूछ ले, बाद में वसंत भाई हाथ में नहीं आएंगे और किसी से मिलते भी नहीं है। अरे ऐसा कैसा होगा? अरे वसंत भाई आप ही बताओ, हमका कोई तकलीफ हो तो हम यहाँ पे आ सकते हैं ना? आना कोई बात नहीं। देखा हम का ना नहीं बोला, तुम का ना बोले, देखा? हाँ हाँ अभी चल घर पे निकलते हैं, चलो वसंत भाई हम जाते हैं, वसंत भाई के पास भी बहुत काम है, तेरे को काम नहीं करना, चल। अरे तुम जाने को हमको कहाँ बोला था? हम यहाँ पे बैठे हैं, तुमको तकलीफ है का? अबे तुम दोनों भी निकलो जाओ, यहाँ पे मुफ्त का भंडारा खिलाने वाला क्या? हाँ जाओ अपने घर। देख तेरी वजह से वसंत भाई मेरे ऊपर गर्म हो गए। अरे हमारी नहीं, तोहरी वजह से गुस्सा है वसंत भाई। साले तेरी वजह से, तोहरी वजह से, तेरी वजह से। अबे चुप, दोनों निकलते हो या गाली दूँ तुमको? अरे भागो, हमका गाली नहीं सुनना, गाली से हमका डर लगता है।